भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक महोदय, सभी शिक्षक गण, महान सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ सर और युवा समाज सभी शिक्षक, आप सभी के जाने पहचाने अजित कुमार सिंह जी और विपुलस विद्यालय के डायरेक्टर बाजो प्रकाश सिंह विद्यालय के निदेशक और रीता कुमार और विपुलस चैनल के मोबाइल डायरेक्टर एमडी संतोष कुमार पाठ जी, मानव समाज सेवा के ग्रुप कोऑर्डिनेटर परम आदरणीय मधुसूदन कुमार जी, सोशल मीडिया प्रभारी भाई सूर्य मणि जी एवं यहाँ पर उपस्थित बैठे हुए तमाम शिक्षक गण, प्यारे प्यारे बच्चों, बच्चियों, माताओं एवं बहनों, सबसे पहले आज इस कार्यक्रम के लिए हम आयोजक महोदय को और आप तमाम बच्चे बच्चियों को जोरदार तालियों के साथ हर दिन बधाई देते हैं, हर दिन धन्यवाद देते हैं। जब मुझे पता चला फिर मंडल के आस पास के गांव के बच्चे आज बहादुर होकर मैदान में जमा होने वाले हैं, ऐसे ऐसे बच्चे जो पढ़ने में ईमानदारी बरतते हैं और खूब मेहनत करके आज टॉप किए हैं, उनको आज पुरस्कार देना है। धन्यवाद। मुझे मालूम हुई, मुझे जानकारी मिली कि हम लोग अभी बिहार शरीफ में थे, बिहार शरीफ में मिशन हरियाली के तहत पेड़ लगाओ अभियान का मानव श्रृंखला लगा हुआ था, उस कार्यक्रम के जैसे जैसे छोड़ छाड़ के आपके लिए उस गांव में पहुंच गए हमारे अतिथि भाई, जो तैयारियों के साथ हम उनको धन्यवाद देना चाहते कि आपके इतना प्यार है, आपके इतना स्नेह है कि आपके चलते भागो भागो जिला से जिला मुख्यालय से पहुंचे। आज भाषण का वक्त नहीं है, आप तमाम बच्चों को मैं केवल एक बात बताना चाहता हूँ, आज तक जितना भी आदमी महान बना, जितना भी आदमी बड़ा आदमी बना, वो कोई शहर का आदमी बल्कि आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, महान वैज्ञानिक है, मंत्री है, विधायक है, नेता है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये सारे के सारे लोग 80% लोग ये शहर के नहीं होते, ये बड़े बड़े पटना मुंबई के नहीं होते, ये हमारे खेत खलिहान से आने वाले गांव के होते हैं, जिनके लिए मैं जोरदार तालियों के साथ उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे गांव के नाम को रोशन करने का काम कर रहे हैं। और आप लोग भी गांव के हैं, बहावी है के मैदान में जितने भी बच्चे आ जाए हैं, हम तमाम बच्चों को आज आशीर्वाद के साथ ये कहना चाहेंगे कि अगर आप ठान लीजिएगा तो आप भी पढ़ लिख करके एक दिन डॉक्टर बनिएगा, बनकर दिखाइएगा, इंजीनियर बनिएगा, आईएएस बनिएगा, आईपीएस बनिएगा, आप में भी इतना ऊर्जा है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम और ईमानदारी से अगर लगातार हम पढ़ाई करेंगे तो हम निश्चित रूप से अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संस्कार भी बहुत जरूरी है, क्या केवल पढ़ाई लिखाई से काम चल जाएगा बच्चों? नहीं ना, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संस्कार भी जरूरी है, इसलिए आप बचपन से ही अच्छे संस्कार सीखिए। अच्छे संस्कार सीखने का मतलब हम गुरु जी की आज्ञा का पालन करें, माता पिता को हमेशा प्रणाम करके स्कूल से आवे, घर में आवे, ठीक है, ये सारी चीजें आप संस्कार के साथ साथ, गुटखा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, आप तो जानते हैं कि आपके मानव सर गुटखा छोड़े आंदोलन चलाते हैं, सबको मालूम है ना, कौन कौन जानते हैं, हम नहीं है, हम सब ओ इसे हिंसा वाला गौरव भाषा नहीं चलते गौरव खिलाने वाले सब सब जानता है, वाह खाली खाना चाहिए, हाथ बदल सी बात खाली खाना चाहिए, मुझे जो ही बोलना नहीं है वेस्टर नौ सौ बोलना वेस्टर अभी तो नौ सौ इंटरेस्ट के गुटका खाना चाहिए, कहीं खाना चाहिए, दाल पूजा चाहिए, नो सर
और न पीने चाहिए न किसी को पीने देने चाहिए। यानी हमको नहीं खाएंगे शराब और तुमको भी खाने नहीं देंगे, ये आपका नारा होना चाहिए। क्योंकि हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, इतना बढ़िया संस्थान, इतना बढ़िया स्कूल, इतना बढ़िया कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर भी आपका स्कूल भी वहां है, मैंने गया था वहां पर छत पर, इतना बढ़िया आपका संस्कार है, कितना बढ़िया सौभाग्यशाली है। अरे हमको तो लगता है, हम तो सपना देखते हैं कि हम फिर से आपकी तरह बच्चा हो जाए और बच्चा होकर के फिर से इसी स्कूल में हम एडमिशन करवा लें जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं। कितना बढ़िया सुंदर स्कूल है। मैं एक बात सुना, स्कूल के संस्थापक को, कोचिंग के संस्थापक को जोरदार तालियों के साथ बधाई देना चाहता हूँ आपके कार्यक्रम के लिए। और एक अपील करना चाहूंगा, जिनको पुरस्कार आज नहीं मिला है, जिनको आज पुरस्कार नहीं मिल रहा है, वो घबराना नहीं है, बल्कि और मेहनत करके टोटल को मिल जाएगा। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, तब तक किसी को निराश होने की जरूरत सुन रहे हैं ऐसा क्या बोल रहे हैं, यहाँ टोटल को पुरस्कार जोरदार पुरस्कार मिलना उनको भी हम लोग सब आश्चर्य हो गया बाल वाले, तो ये बहुत खुशी की बात है। ज्यादा वक्त मिलना एक नारा दे देना है, मैं कहूँगा पेड़ लगाना है, आपको कहना पर्यावरण बचाना है, क्योंकि आज मानव श्रृंखला था मिशन हरियाली का, मैं कहूँगा पेड़ लगाना है, आप क्या कहेंगे पर्यावरण पर्यावरण बचाना है, बोलिए पेड़ पौधा लगाना है, आप तुझे गाँव के होते अब ऐसे बोलते हैं सब बच्चे है, पेड़ पौधा लगाना है, पेड़ पौधा लगाना है। अब एक बार भारत माता की जय बोलिए, है बोलिए सेकंड आधार श्राद्ध सेकंड राउंड आएंगे और अपना प्राइज ग्रहण करेंगे है। जी हाँ और तीसरे रंग पे है बच्चू कुमार, तीसरे रंग पे है बिक्की कुमार, तीसरे रंग पे है बिक्की कुमार जो बोला सर यहाँ तीसरे रंग पे है बिक्की कुमार, इनको सर है इनका है फर्स्ट वाला सेकंड है जो सेकंड है थर्ड राउंड पे है स्वर्ण कुमार खुद का सेकंड राउंड शांति निकेतन, सेकंड में छह है सर, तीसरे रैंक पे, तीसरे रैंक पे जी हाँ प्राइज मिल रहा है बच्चों को जी, थर्ड रैंक पे है बिक्की कुमार, हाँ थर्ड रैंक पे बिक्की कुमार, राउंड नंबर 52 है 82 है यूएमएस, फोर्थ रैंक में सोनू कुमार 57 शांति सेंटर शांति, सोनू कुमार फोर्थ में है सूरज कुमार यूएमएस, फिफ्थ रैंक सोनू कुमार सूरज कुमार फिफ्थ में है।